योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया, महापुरुषों का अपमान हो रहा है। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की गई, जिन्ना पर दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है, जिन्ना देश को तोड़ने के प्रतीक हैं। योगी आदित्यनाथ ने औरैया में अपने जनता को संबोधित करते वक्त ये बात कही है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं, भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था, जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता, और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्रनायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके प्रति सतर्क रहना होगा।